मेरा नाम है शुभम और आज हमारे पास है 20 वॉट का आरजीबी पार्टी साउंड बार, जैसे कि आपको ये सेट भी देखने मिल जाता है। सो ये है ब्लाउन की तरफ से आने वाला SBA 20। सो गाइस, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कूल फंक्शन देखने मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको आरजीबी लाइट्स मिलता है, मोबाइल स्टैंड देखने मिलता है, FM रेडियो का एंटीना देखने मिलता है और भी इसके अंदर काफी ज्यादा कूल फंक्शन दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। सो चलते विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स कंटेंट के अंदर से हमें पहला क्या क्या चीज देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन, जिसको आप रीड करके काफी ज्यादा फंक्शंस के बारे में जान सकते हो, बट अभी से कोई जरूरत नहीं है तो इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्कैनर, जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिल जाता है। सो आप सिंपल से इसको स्कैन करके इसके और भी डिटेल्स के बारे में जान सकते हो, जैसे कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे पेपर वर्क देखने मिल जाते हैं, बट इसके अंदर आपको जो एक स्कैनर दिया हुआ है, सिंपल से इसको स्कैन करो और इसकी डिटेल्स आप वहां से जाकर ऑनलाइन इसको रीड कर सकते हो। और यहाँ पर हमें मिलता है एक USB चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने मिल जाती है। बाकी गाइस वो सारी चीजें होते हैं साइड में, आते हैं हमारे मेन डिवाइस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, बात करें इसकी फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ऑल ओवर यहाँ पर काफी ज्यादा ऑसम डिजाइन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इंप्रेशन गाइस यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ठीक ठाक देखने मिल जाता है। बात करें इसकी कुछ बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पे मेटल का ग्रिल देखने मिलता है, ऑल ओवर जो इसका बॉडी है यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक बॉडी देखने मिल जाता है, और यहाँ पर आपको दो रबड़ की ग्रिप देखने मिल जाती है, जो कि आप सिंपल सा इसको स्लाइड सीरीज पे कुछ इस टाइप से रख सकते हो और ये यहाँ से थोड़ा सा भी अनबैलेंस होने वाला नहीं है। सो गाइस, अगर बात करें इससे कुछ बटन वर्क्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको पहला बटन मिलता है आरजीबी के लिए। सो अगर आप जैसे उस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो, तो आप जो है सिंपल सा ऑन ऑफ कर सकते हो अपने आरजीबी लाइट को। अगर आपको आरजीबी लाइट चेंज करना है, तो आप सिंगल प्रेस करके यहाँ पर आरजीबी लाइट सिंपल सा चेंज कर सकते हो। और ये साइड पे आपको मिल जाता है मोड्स के बटन, आप सिंपल सा उसको क्लिक करके यहाँ पर आप मोड्स चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में आपको मिल जाता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्ले पॉज करने के लिए यहाँ पर आपको बटन देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल स्टैंड, जो कि आप कुछ स्टेप से इसको सिंपल सा यहाँ पर स्टैंड कर सकते हो। बैक साइड पे यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन ऑफ का बटन, माइक का स्लॉट, USB फ्लैश, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और यहाँ पर आपको USB का पोर्ट देखने मिल जाता है। नीचे के साइड पे यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जब भी आप मोड्स चेंज करोगे तो वहां पर आपको डिस्प्ले में सारी चीज देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक एंटीना कुछ इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। सो आप चाहे तो FM मोड भी यहाँ पर आप सिंपल सा ऑन कर सकते हो। सो गाइस, चलते फटाफट से इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी आपको कैसी लगती है। सो करते हैं यहाँ से ऑन। सो ये फाइनली हो चुका है ऑन, अब कनेक्ट करते हैं अपने फोन को। सो ये हो चुका है फाइनली ऑन, प्यारा से NCS का सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी यहां पर कैसी है।
ये थे इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी जैसे कि अभी आपने देखे। सो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने दो दो म्यूजिक प्ले कर रखे थे, एक ज्यादा बेस वाले थे और एक नॉर्मल बेस वाले थे, बाकी दोनों भी एनसीएस के थे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप वहां से गाने डाउनलोड भी कर सकते हो। बाय द वे गाइस, इसकी जो साउंड क्वालिटी थी और बेस क्वालिटी वो काफी ज्यादा यहाँ पर ऑसम था, मुझे गाइस बहुत ज्यादा सही लगा है। एक 20 वॉट के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी थी काफी ज्यादा यहाँ पर आपको क्लियर देखने मिल जाता है। सो गाइस, अगर आपको एक पार्टी के लिए बेस्ट साउंड बार चाहिए विद आरजीबी के साथ, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा फंक्शन तो मिलते ही हैं, साथ ही में यहाँ पर आपको आरजीबी के मोड्स भी मिलते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर आरजीबी को चेंज भी कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो लो या फिर नीचे तो आप यहाँ पर आरजीबी लाइट को ऑफ भी कर सकते हो। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी का मुझे काफी ज्यादा सही लगा है, आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बता देना। बाकी अगर इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो पहला आपको ब्लूटूथ कनेक्शन देखने मिल जाता है। सो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, जब आप ब्लूटूथ को और मोबाइल को फर्स्ट टाइम पेयर करते हो तो इजीली पेयर हो जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। दूसरा आपको यहाँ पर FM मोड का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है, साथ ही में आप चाहते हो उसको माइक्रो SD कार्ड से भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाता है TWS के फंक्शंस, आप चाहते हो ऐसे दो साउंड बार को एक साथ कनेक्ट करके भी सिंपल से यूज कर सकते हो। बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में तो यहाँ पर आपको 2000 mAh की बैटरी बैकअप देखने मिल जाती है। वर्किंग टाइम के बारे में बात करें तो मैं सिंपल से इसको यूज कर रहा हूँ 4 से 5 घंटे तक, और ये अभी तक इजीली वर्क कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसकी जो बैटरी बैकअप है वो आपको 5 से 6 घंटे की मिल जाती है अच्छी खासी। सो इसका जो प्लेबैक टाइम है वो आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखने मिल जाता है। बाय द वे गाइस, इसकी जो प्राइस है वो आपको Amazon पे 2000 rupees में मिल जाएगी, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप जब आप इसको परचेस करोगे तो इसकी जो प्राइस है वो 2000 से काफी अधिक कम हो गई होगी, तो आप जाके सिंपल से इसको परचेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वाला साउंड बार मुझे काफी ज्यादा सही लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेस और साउंड दोनों भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपल से क्लिक करो और जाके परचेस करो। सो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टॉप, आई होप आपको वीडियो काफी सही लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।